बीती शाम महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में पहुंचे। घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैणी, बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुधीर यादव, एसडीएम अदिति ने महामहिम राज्यपाल को गुलदस्तों के साथ उनका स्वागत किया। हरियाणा पुलिस गार्ड द्वारा महामहिम राज्यपाल को सलामी दी गई। ओपन फील्ड में लगाई गई रंगीन गोभी को देख महामहिम राज्यपाल खुश दिखाई दिए और रंगीन गोभी के विषय में भी जानकारी ली। ओपन फील्ड में लगी चकुंदर, गाजर, लेट्यूस, ब्रोकली की सब्जियों का भी उन्होंने अवलोकन किया। इसके बाद हाइड्रोपोनिक में लगी लेट्यूस की फसल को भी उन्होंने देखा। इसके बाद जैविक फार्म फील्ड पर वे पहुंचे। पॉली हाउस में टमाटर, एनवीपीसी में शिमला मिर्च, हाईटेक ग्रीन हाउस में पौध और जैविक तरीके से लगाई गई स्ट्रॉबेरी की भी उन्होंने जानकारी ली। डॉक्टर अर्जुन सिंह सैणी ने महामहिम राज्यपाल को सब्जियों की जानकारी दी और ये भी बताया कि किस तरह से किसान सब्जियों के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, साथ ही लोगों तक पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां भी पहुंच रही हैं। महामहिम राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से किसानों का ज्ञान बढ़ा है और वे सुरक्षित खेती की तरफ भी बढ़े हैं। उसी का परिणाम है कि किसान आज अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां पैदा कर पा रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। पानी की बचत के लिए अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल केंद्र में किया जा रहा है और ये जितना अधिक किसानों तक पहुंचेगा उतना ही पानी बचेगा, जिसका फायदा किसान, समाज और प्रकृति को मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 11 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं। सब्जी विशेषज्ञ जिस मेहनत से कार्य कर रहे हैं और किसानों तक तकनीक को पहुंचा रहे हैं उसका अभिनंदन है। घरौंडा में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र का जो है मैंने देखा हूँ, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट भी जो है इसका नमूना भी मैं थोड़ा देख पाया, बहुत खुशी है। नए तकनीकी के साथ कम पानी से अच्छे सब्जियों को पैदावार करना और किसानों को बहुत से जो है नए नए तरीके से अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए एक जो है नॉन पोल्यूटेड और क्वालिटी वाइज, थर्ड इज इनकम जनरेशन, ये तीन बातें जो है इसमें जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये किसानों का काफ़ी बड़ा उनका जो एजुकेशन हो रहा है किसानों को, और ये बहुत जितना बढ़ेगा उतना पानी का जो है खर्चा कम होगा। पानी जितना सही तरीके से उपयोग में होगा तो उससे किसान को भी लाभ है और अपने समाज को, प्रकृति को भी लाभ है। तो इसलिए ये केंद्र ने आज हरियाणा में 11 सेंटर्स खोले हैं, राजस्थान में भी अभी खोलने वाले हैं। ऐसा ये सेंटर के अधिकारी लोग जो है काफ़ी श्रद्धा से और बहुत ही मेहनत से काम करके किसानों के लिए जो लाभ उठाने का जो प्रयास उन्होंने कर रहे हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूँ।